जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बड़े मंदिर के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगी। छतरपुर मंदिर इतना धन्य है कि जब निर्माण शुरू हुआ तो उस जमीन पर बहुत सारे सांप थे। मैंने सुना था कि वहाँ इच्छाधारी नाग की एक जोड़ी भी थी। गुरुजी, क्या कोई इच्छाधारी सांप है या यह सिर्फ एक मिथक है? हाँ, वे मौजूद है। छतरपुर मंदिर की भूमि पर एक जोड़ा था, लेकिन अब वे चले गए हैं। गुरुजी ने कहा, आपने छतरपुर मंदिर में मंदिर बनाने का फैसला क्यों किया? क्या इसके पीछे कोई कारण है कि क्या भूमि का कोई महत्व है? गुरुजी ने उत्तर दिया, ए अच्छी थान है, एथे बड़े महापुरुषन ने भक्ति कित्ती हुई है, एथे दी वाइब्रेशंस बड़ी हाई है, यह भूमि बहुत पवित्र है, बहुत सारे ऋषियों और संतों ने कई वर्षों से इस भूमि के टुकड़े पर ध्यान किया है, इसने उन उच्च कंपनों को समझाया जो हम में से बहुतों ने महसूस किया है। जब हम अंदर कदम रखते हैं, आसपास के क्षेत्र गर्मी के कारण बंजर हो जाते थे, लेकिन मंदिर मैदान हमेशा हरे भरे रहते थे, सभी पौधे साल भर उगाए जा सकते थे। शिवलिंग हालांकि खोखला है, गुरुजी के आशीर्वाद के लिए एक भारी झूमर का समर्थन करता है। हम में से कई लोगों ने शिवलिंग पर अमृत प्रवाहित होते देखा है और गुरुजी के अनुसार एक दिन शिवलिंग पर अमृत की जगह दूध बहेगा। प्रवेश द्वार पर गणेश जी की मूर्ति की भी अपनी शक्तियाँ हैं। जिस दिन मूर्ति दिल्ली पहुंची, उस दिन जनवरी में मनाया जाने वाला एक समारोह लोहड़ी था। जैसे हमने मूर्ति को नीचे रखा और अरदास की, मूर्ति ने अपनी आंखें खोली जैसे कि यह असली हो। हम सभी जो वहां मौजूद थे, उन्होंने छोटी छोटी हरी आंखें देखी जो हिल गईं। हमने जो देखा उससे हम सब दंग रह गए। पत्थर की मूर्ति कैसे आंखें खोल सकती है? हम इस घटना से बहुत हिल गए थे और जब हम वापस गुरुजी के पास गए तो प्रवेश करते ही उन्होंने हमसे पहली बात कही, तो फिर क्या गणेश जी ने आप सभी को देखने के लिए अपनी आंखें खोली? छोटी हरी आंखें? हमने महसूस किया कि हमने जो देखा वह सिर्फ हमारी कल्पना नहीं थी। हमें बताया गया था कि छतरपुर मंदिर में गुरु नानक देव जी की तस्वीर सबसे ज़्यादा मिलती जुलती है। देवी देवताओं की सभी तस्वीरें चित्रकार की कल्पना है और सच्चे भगवान के समान नहीं है। शिव जी की पीतल की मूर्ति भी अपना सिर कभी बाईं ओर तो कभी दाईं ओर घुमाती है। ऐसी कई चीज़ें जो अभी हो रही हैं और छतरपुर मंदिर में होनी बाकी हैं, उनकी भविष्यवाणी गुरुजी ने मंदिर के संगत के खुलने से बहुत पहले कर दी थी। गुरुजी कहते हैं, ए मंदिर सच दी थान है, मुख्य अपनी बहुत शक्तियां मंदिर के साथ पाई हुई हैं। जिन्नी बारी बड़े मंदिर विच आओगे तुआडे बुरे कर्म सुधरांगे। यह मंदिर सत्य का स्थान है। मैंने इस जगह पर बहुत सारी शक्तियां लगाई हैं। जब भी आप छतरपुर मंदिर जाएंगे तो आपके बुरे कर्म हर बार बेहतर होते रहेंगे। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।